सब्सक्राइब करिए करियर वॉकर को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नौकरी की तलाश के बीच में लेटेस्ट जॉब वैकेंसी अपडेट्स में आज हम आपको बताएंगे NPCIL रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन के बारे में। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर बताएंगे, एलिजिबिलिटी बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसीड्योर बताएंगे, लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज भी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL ने रिलीज किया है एप्लीकेशन असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, साइंटिफिक असिस्टेंट और दूसरे पोस्ट के लिए 25 जनवरी को। वहीं थोड़ी हाइलाइट्स आपको बता देते हैं। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, साइंटिफिक असिस्टेंट और दूसरे पोस्ट के लिए रिलीज की गई है वैकेंसी। टोटल वैकेंसी 59 है। नोटिफिकेशन डेट 25 जनवरी है। स्टार्टिंग डेट 29 जनवरी है। क्लोजिंग डेट फरवरी 23 है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगी। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है। ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पे आपको दिख रही है। अब आपको बताते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो 28 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। 23 फरवरी तक ये लास्ट डेट होगी। लास्ट डेट पेमेंट ऑफ फीस होगी फरवरी 23 तक। एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट बहुत जल्द आएगी और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रहो लेटेस्ट अपडेट्स के। मैं आपको थोड़ी वैकेंसी डिटेल्स बता देते हैं। तो साइंटिफिक असिस्टेंट सी में 2 वैकेंसी है। लीडिंग फायरमैन में 1, ड्राइविंग कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन में 2 है, साइंटिफिक असिस्टेंट में 2 है। टोटल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। उसके बाद आपको थोड़ी एलिजिबिलिटी बता देते हैं। उससे पहले एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें जरूर से फॉलो करो। लेटेस्ट अपडेट शॉर्ट फॉर्म में वहां पे सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दें, तो अगर आपको साइंटिफिक असिस्टेंट में जाना है तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या BSc मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपको होना चाहिए। 4 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। लीडिंग फायरमैन में जाना है तो HSc 10+2 आपका होना चाहिए। साइंस विद केमिस्ट्री इक्विवेलेंट भी चलेगा, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर यदि आपको बनना है तो क्लास 12th में पास होना पड़ेगा साइंस विद केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, प्लस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 1 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फ्रॉम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सच एज फायर एक्सटिंग्यूशर में स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर यानी कि SFTC से। उसके बाद अगर आपको असिस्टेंट GR1 में जाना है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी में भी 50% मार्क्स के साथ। उसी तरह आप पूरी तरह डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसके बाद आपको बताते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो डिटेल पूरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर फिर भी कोई डाउट आती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो, हम आपको वहां पे क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपको एक और अपडेट दे देते हैं, कौन सी रीजन की वजह से आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड हो सकती है तो वो आप देख लो। अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपकी NPCIL की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनवैलिड हो जाएगी। अगर आप मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हो तो भी आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। एक बार से ज्यादा आप अप्लाई करते हो तो भी आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन को भी चेक करते रहें क्योंकि कई बार बहुत कुछ करेक्शन भी होती है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो ये थी NPCIL रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन से जुड़ी अपडेट्स। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।